नमस्कार। आज हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हम कन्वर्जेंस टेस्ट करेंगे सीरीज की। समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन का पावर एन स्क्वायर। आज हम स्पेशली ध्यान देंगे कॉची एंथ रूट टेस्ट पे, तो थोड़ा सा अगर प्रकाश डाल दे उस पे कि क्या होता है। तो कुछ अगर अब हमारे पास un होगा तो हम un का पावर 1 बाय n का n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे लिमिट निकालेंगे। अगर ये इफ इट्स इट इज लेस देन जीरो, सॉरी लेस देन वन, तो ये हमारे पास जो सीरीज होगा वो कन्वर्ज करेगा। और अगर ये ग्रेटर देन वन आया तो डाइवर्ज करेगा। और इक्वल टू वन पे ये टेस्ट फेल हो जाता है, तो हम कुछ बता नहीं सकते। ठीक है, तो आसान टेस्ट है हमारे पास, क्योंकि इसको अब दूसरे वीएन जैसे कोई सीरीज से मतलब नहीं है, अपने आप में ये सफिशिएंट है। तो हमारे पास यूएन तो है ही, यहाँ पे यूएन क्या है इस क्वेश्चन में, वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन का पावर एन स्क्वायर। इसका पावर वन बाय एन करना है क्योंकि उसी का तो लिमिट चेक करेंगे, तो कर दो वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन। इस पूरे का पावर एन स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि वन का पावर एन स्क्वायर तो वन ही होता है। अब इसका पावर वन बाय एन करेंगे एडिशनली, तो सीधा ये ऐसे कर देते। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास un बचा, रेदर un का पावर 1 बाय n बचा। क्या अब 1 का पावर n तो 1 ही होता है, इसलिए ऊपर हम नहीं लिख रहे, नीचे 1 प्लस 1 अपॉन n का पावर ऐसा कुछ बचा। बस अब क्या करना था, लिमिट ले लेना n टेंडिंग टू इंफिनिटी, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एन का पावर। अब ये लिमिट तो आपने बचपन में किया होगा, 1 पावर इन्फिनिटी हो रहा है क्योंकि इन्फिनिटी रख के देखे डिनोमिनेटर में, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0, तो 1 का पावर इन्फिनिटी कर रहे हैं, तो इसी लिमिट को मैं दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट तो कर ही सकता हूँ। अब नीचे वाला लिमिट तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर तो वन ही हो जाएगा, नीचे क्या कर सकते हैं पता होगा, वन पावर इन्फिनिटी फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं, इसको लिख देंगे ई पावर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और एन सामने आएगा और ब्रैकेट में से एक कम हो जाएगा, वन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन, और ये एन जो था वो कूद के सामने आ जाएगा, और ये सब कुछ चल रहा होगा ई का पावर लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, ई के पावर में ही सब कुछ चल रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गया, हमें क्या बचा, ये एन और वन बाय एन भी कैंसिल हो गया, वन बचा, सिंपली लिख देते हैं। ठीक है, इधर ये कैंसिल हो गया और ये एन इससे कैंसिल हो गया, तो नीचे सिंपली हमारे पास बचा e के पावर में वन, क्योंकि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन तो वन ही होगा, e के पावर में वन बचा, दैट इज e। ठीक है, अब e का वैल्यू अगर देखें हम, तो e का वैल्यू क्या होता है, 2.71 समथिंग। ठीक है,
2.71828 ऐसा ही कुछ, तो 1 अपॉन ई का कितना वैल्यू हो जाएगा, 1 से तो छोटा ही होगा, ठीक है 0.36 समथिंग, इतना देखने की जरूरत नहीं, 1 से छोटा होगा इतना आप समझ, ठीक है तो सीधा लिख देते हैं अपना वैल्यू से हमें तो मतलब नहीं है, हमें बस साइन देखना है, तो दिस इज लेस देन 1, 0.36 समथिंग आया, तो लेस देन 1 तो मैंने क्या बोला था, बाय कॉचीज एंड थ्रू टेस्ट UN, समेशन UN, क्योंकि सीरीज की बात चल रही है, n equals to 1 से इंफिनिटी तक कन्वर्जेस, क्योंकि एज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी UN का पावर 1 by n इज लेस देन, ठीक है तो ये भी आसान है, बस आपको लिमिट सॉल्व करना आना चाहिए और आप कर जाएंगे आराम से, बहुत आसानी से आप ये क्वेश्चन को कर, ठीक है कुछ क्वेश्चंस में आपको सीरीज गिवन होगा, वहाँ से जनरल टर्म निकालना होगा, यहाँ उन्होंने समीशन पहले से दे रखा था तो काम और आसान हो गया, वरना कुछ सीरीज गिवन होगा वहाँ से आप जनरल टर्म निकालेंगे फिर उसका पावर 1 बाय n करके लिमिट निकालेंगे, देखेंगे अगर लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जिंग, ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्जिंग, और इक्वल टू 1 पे ये टेस्ट फेल हो जाता है, तो हम कुछ बता नहीं सकते, ठीक है तो ऐसे और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, अलग अलग टेस्ट हम कर रहे हैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।